ओके, सो दिस इज अवर पेशेंट्स फ्रंट व्यू. सो निप्पल में ये प्रोजेक्शन है, ये प्रोजेक्शन जो दिख रहा है, दिस वन, ये पेशेंट को बॉदर करता है. सो दिस इज ग्रिड वन एंड मेनली ग्लैंडुलर कंपोनेंट जो कि हमको निकालना है. एंड दिस इज द साइज ऑफ द निप्पल. सो हमको बहुत छोटा इंसान लेके ग्लैंडुलर कंपोनेंट को निकालना है, बहुत ज़्यादा नहीं है पेशेंट को, दिस इज मिनिमल ओनली. बट ये जो होता है ये शर्ट के यहाँ से इज नॉट लुकिंग गुड. सो ये हम लोग करेंगे. अगर पेशेंट हम लोग के 22 ईयर ओल्ड, ही इज़ फ्रॉम तेलंगाना, और एक पुराने पेशेंट है तेलंगाना से, उनसे वो कॉन्टेक्ट करके आए हैं सर्जरी के बारे में. सो जैसा हम लोगों ने पहले देखा, हमको ज़्यादा कुछ नहीं है, ओनली ग्लैंडुलर कंपोनेंट है. पेशेंट ने बोला सर लाइपोसक्शन की जरूरत है क्या? तो मैंने उनको बोला कि इट्स गुड इफ यू डू लाइपोसक्शन ऑल्सो. सो अभी मैं फाइंडिंग दिखा रहा हूँ, ग्लैंड नहीं निकाली है, सिर्फ लाइपोसक्शन करा है. तो लाइपोसक्शन करने के बाद में भी फैट जो है वो सब्सटेंशियल निकला है, हम लोग उनको आपको दिखाएंगे. सो ये जो है ये ग्लैंडुलर कंपोनेंट बचता है, दिस वन इज ग्लैंडुलर कंपोनेंट. अभी स्किन जो है बहुत ज़्यादा पतली होगी, लेकिन जो ये प्रोजेक्शन है दिस इज बिकॉज ऑफ ग्लैंडुलर कंपोनेंट. देखना एक बार, तो अभी कितना फैट निकला ये हम लोग ग्लैंड्स एंड फैट पे जब पेशेंट के पिक्चर अपलोड करेंगे तो वहाँ पे लास्ट में वॉल्यूम आ जाता है, वो देख सकते हैं. पेशेंट कल डिस्चार्ज करके कंपेरिजन वीडियो बनाएंगे इसका. ओके, तो दिस वॉज फ्रंट व्यू बिफोर एंड दिस इज नाउ. अदर साइड प्लीज. Projection before, very little projection, and this is now. Other side please. Before and this is now. So mainly तो ग्लैंडुलर कॉम्पोनेंट ही था पेशेंट को. फ्रंट में आ जाओ, जो कि निकाला है, और फैट भी था. तो ये दोनों साइड की ग्लैंड, और ये फैट बहुत कम निकला है, और ये दोनों साइड की ग्लैंड है राइट और लेफ्ट की. दिस इज आफ्टर 24 आवर्स. निप्पल पे निशान बहुत 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 छोटा है, नथिंग टू वरी. अभी पेशेंट कंप्रेशन मेंटेन रखना है. उनको मैंने रिजल्ट दिखा दिया है. पेशेंट हम लोगों के तेलंगाना से आए हैं, और उन्होंने हमारे पुराने पेशेंट से बात कर ली थी, जिसकी सर्जरी आई थिंक सितंबर अक्टूबर में हुई थी. सो उनसे बात करके आए पेशेंट. सो अगर वो सेटिस्फाई है तो उनको थम्स अप करना है. नहीं समझा? अच्छा. ओके, सो अच्छा ये अब मैं आगे कोई तेलंगाना का पेशेंट है सपोज, उसको कुछ रेफरेंस चाहिए तो मैं आपका नंबर शेयर कर सकता हूँ? बिल्कुल. ओके ठीक है, चलेगा. कुछ नो प्रॉब्लम ना? ओके गुड, बिकॉज पेशेंट बहुत दूर से आता है तो मैं प्रेफर करूँ बात करने में, तो कोई दिक्कत हाँ हाँ नहीं, नहीं कुछ पेशेंट को प्राइवेसी इशू होता है नहीं, तो वो लोग मना करते हैं नहीं हमारा नंबर शेयर. जैसे नेपाल के पेशेंट है मेरे पास में कुछ 7-8, उसमें से 2-3 पेशेंट ही बोलते हैं नहीं हमारा नंबर शेयर करो, वी आर कंफर्टेबल. बाकी बोलते हैं कि सैटिस्फाइड विद दिस. हाँ, और मेरे घर वाले भी, मदर और फादर भी सैटिस्फाइड है. ओके, अभी तो मैं तो फ्रेंड को लेके आया हूँ इसकी वजह से, वैसा तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है. नहीं ठीक है. ओके, नंबर ओनली जस्ट फॉर द रेफरेंस ऑफ.